मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का ऐसा बजट पेश किया कि बीजेपी और विरोधी खेमे में खामोशी छा गई। चिरंजीवी में 25 लाख का फ्री इलाज देके उन्होंने जनता को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। वहीं 56 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। स्कूली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी तो किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली तो महिलाओं को सरकारी बस में किराए पर 50% की छूट मिलेगी। वही गहलोत ने शायरी के माध्यम से व्यंग भी किया। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कुछ लोगों को उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। कहना चाहूंगा, आप लोगों को लगता होगा अगला चुनाव आ रहा है इसलिए बजट ऐसा पेश हो रहा है, गलत है। 4 साल में हमने जो बजट पेश किया एक के बाद एक वो पूरे देश में नहीं, राज्य में नहीं, पूरे देश में चर्चा कैसे बना हुआ है। प्रत्येक महोदय मैं कहना चाहूँगा हमारे तमाम साथियों से, विशेष रूप से विपक्ष के साथियों से, ये मेरा नहीं है अगले चुनाव के साथ में बजट पेश कर रहा हूँ। मैं 2028 को देख करके चुनाव में बजट पेश कर रहा हूँ। केंद्र सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, आग्रह कर सकते हैं क्योंकि जब एक भी भारी पड़ रहा सब पे तो आग्रह कर सकते हैं, जब एक भारी पड़ रहा सबसे उसे आग्रह कर सकते हैं। भाई इतने भारी भरकम है वो, ये तो बोल नहीं सकते प्रधानमंत्री, इतने भारी भरकम है, मैं एक ही भारी हूँ पूरे। चलो हम सब आपकी बात मान जाएंगे, आप हमारी बात मानो, जाओ वहाँ पे दोस्तों के अंदर या आरसीबी की बात करके आओ, तो मानूंगा मैं आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हो बैठ कर। आपकी पार्टी मीटिंग है, जाइए वहाँ पर बताइए आरसीबी के बारे में। बोलने की हिम्मत तो है नहीं, क्या बोलेंगे? सामने जाएंगे तो बोलती बंद हो जाएगी। बजट है जो हम यात्रा में, जब भारत जोड़ो यात्रा में जो लोगों ने वहां बात की वो नोट की, और इसीलिए वो लोग जनहित का बजट आया। एक जो महंगाई की रोकथाम है, जो उन्होंने कहा कि 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी सिलेंडर पर, बहुत बड़ी बात है, ये डायरेक्ट लोगों को उसका भी फायदा मिलेगा। ऐसी कई चीजें जैसे अब लेकर आ रहे हैं कहने लगे कि पेंशन जो है ओल्ड एज पेंशन उसका ऐसे करेंगे कि आधार कार्ड जो भी है जो भी लेकर आएंगे कि जब उसका जो पैरामीटर जब करेगा ऑटोमेटिकली उसे पेंशन मिल जाएगी। जो मुलाजमों का जो कॉन्ट्रैक्ट के जहां मुलाजिम है एम्प्लॉइज हैं उनको पक्का करना, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे ख्याल के पूरे इंडिया में सबसे पहली स्टेट होगी जिसने ओपीएस स्कीम है, जो दूसरी और कॉरपोरेशन हैं, बिजली बोर्ड है, रोडवेज है, कोई और है, उन सभी को ये कर देना, और पूरे हिंदुस्तान में फिर मैं कहूंगा पहली स्टेट है। और दूसरा आप देखिए कि 31,000 से 30,000 जो सफाई सेवक रख रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम जो है कि शहरों की गंदगी और जो सफाई करने के लिए और सबसे बड़ी बात।